वो खबरें लेकर हम हाजिर हैं जिनमें आपका हित है, हमारा हित है, पूरे देश का हित है। देखिए खबर हर कोई दिखाएगा, लेकिन उस खबर से कैसे देश का हित मतलब आपका हित छुपा होगा, वो सिर्फ जी न्यूज का शो देश हित आपको बताएगा। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 20 बड़ी खबरों पर। रफाल डील की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, 5 घंटे तक चली सुनवाई में एयरफोर्स के अधिकारियों से भी हुए सवाल जवाब। एमपी में सत्ता में आने पर आरएसएस पर बैन के दावे से पलटी कांग्रेस, जी न्यूज से कमलनाथ ने कहा बैन की बात नहीं की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, महादेव घाटी में आईईडी ब्लास्ट में बीएसएफ के 4 जवान समेत 6 घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पकड़े गए 2 आतंकवादी, हथियार बरामद, जारी है सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, राजौरी के नौशेरा में की गोलीबारी, भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। पंजाब में जम्मू से सिल्वर इनोवा गाड़ी से आए 4 संदिग्धों की तलाश, माधोपुर में कार छीन कर हुए फरार। अलगाववादी दुख्तरा ने मिल्लत के अध्यक्ष आसिया द्राबी के खिलाफ एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट, आसिया समेत 3 महिलाओं पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप। 11 दिसंबर से 8 जनवरी तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र, कैबिनेट कमेटी का फैसला। नेहरू पर किताब विमोचन के बहाने सोनिया का पीएम मोदी पर हमला, नेहरू के अपमान का लगाया आरोप, शशि थरूर ने कहा नेहरू की वजह से चाय वाला बना पीएम। अयोध्या विवाद पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कहा सभी पक्ष करे मुस्लिम कोर्ट के फैसले का इंतजार, कोर्ट जल्दी निपटाए मामला। अयोध्या केस में पक्षकार इकबाल अंसारी को यूपी के डीजीपी का जवाब, कहा उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस करते हैं मुसलमान, इकबाल अंसारी ने कहा था घबराए हुए हैं मुसलमान। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊंचे इलाकों में फिर भारी बर्फबारी, कश्मीर में गुलमर्ग, हिमाचल में मनाली में गिरी बर्फ।